हर किसी के पास एक गुण जरूर होता है और वो है आत्मविश्वास। अगर आपको विश्वास है तो आप निश्चित रूप से कुछ भी कर सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृषभ लग्न वालों के लिए नवंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र अपनी नीच की कन्या राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि नवम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल वक्री होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो ये है कि सूर्य 16 तारीख को अपनी नीच की राशि में से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 16 तारीख को शुक्र भी अपनी नीच की राशि से निकलकर अपनी खुद की तुला राशि में आ जाएंगे। 20 नवंबर को गुरु मकर राशि में आ जाएंगे। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि भी यहाँ पर होने से नीच भंग हो जाएगा। 28 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वैसे बुध 3 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। 4 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। उत्तर भारत में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 13 तारीख को धनतेरस है। 14 तारीख को दिवाली है। 20 तारीख को छठ पूजा है। 29 तारीख को देव दिवाली है और 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती है। यह पूरा महीना त्योहारों का है। 14 नवंबर को अमावस्या है। 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र पंचम भाव में अपनी नीच की राशि में होने से आपको प्यार मोहब्बत में धोखा ना मिले, उस चीज़ का खास ध्यान रखें। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से दूर रहना चाहिए। 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। सूर्य आपके छठे भाव में होने से आपके नौकरी के स्थान पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में नीच राशि में आ गए हैं, तो आपके घर के लोग भी आपसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने बच्चों के साथ कोई भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आपको सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपियम महाद्रुतिम तमोरीम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मिम दिवाकरम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु आपके अष्टम भाव में होने से आपको किसी भी नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। 20 नवंबर के बाद गुरु आपके भाग्य स्थान में आने से जो स्टूडेंट हैं उनको फायदा होगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। 16 तारीख को जब यहाँ पर सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तब ये थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए।
जब तक आपका काम पूरा ना हो तब तक उस काम को किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके काम में विघ्न आ सकते हैं। सप्तम भाव का केतु आपके पति या पत्नी से आपको असंतोष पैदा करवाएगा। शनि आपके भाग्य स्थान में होने से आपके भाग्य को बल देंगे, आपका भाग्य चमकाएंगे। शनि आपके कार्य स्थान के भी मालिक हैं, तो शनि यहाँ भी आपको अच्छा ही फल देंगे। मंगल आपके एकादश भाव में बैठे हैं और एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो तो ये आपको अच्छा ही फल देता है। मंगल 14 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो इससे आपके पति या पत्नी से आपको कोई लाभ हो सकता है। राहु आपके लग्न में आया हुआ है जो अगले 1.5 साल तक यहाँ रहने वाला है, जो आपको पाप कार्यों में व्यस्त रखेगा। 20 नवंबर के बाद गुरु जब मार्गी होकर मकर राशि में आ जाएंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और राहु को कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे। तो गुरु की दृष्टि 20 नवंबर के बाद आपके लिए फायदेकारक है। राहु लग्न में होने से पति या पत्नी होते हुए भी दूसरों के पीछे भगवाते हैं। लग्न का राहु इंसान को मायावी बनाता है, झूठ बोलता है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, इतनी सफाई से झूठ बोलता है इंसान। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि 4th, 8th, या 12th भाव में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। 14 नवंबर को इस महीने अमावस्या है। 28 नवंबर के बाद बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो आपके पति या पत्नी कुछ ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगेंगे। तो हम देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजिशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6th, 8th, या 12th भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है, वह लोग 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 1 और 2 नवंबर, 17, 18 और 19 नवंबर, 22, 23 और 24 नवंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुंचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब जानते हैं गज के स्त्री योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है, या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है, तो गुरु मतलब पैसा और चंद्र मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। इस महीने इन 4 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है, 6 नवंबर, 13 नवंबर, 18 नवंबर और 26 नवंबर। इन 4 दिनों में 18 नवंबर और 26 नवंबर को आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाकी के 2 दिन 6 नवंबर और 13 नवंबर को आपको फ़ायदा हो सकता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। गाय को रोटी खिलाने से भी आपको फ़ायदा होगा। 14 नवंबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था वृषभ लग्न वालों के लिए नवंबर में का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।